चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर सदर पुलिस थाने के समीप तीन युवकों ने फिल्मी अंदाज में दबंगगिरी दिखाई है। पहले इन दबंगों ने एक युवक की सरेआम पिटाई की, फिर युवक को उठाकर सफेद रंग की कार में अगवा कर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को इस सारी घटना की सूचना दी। पुलिस अब सारे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस को बताया गया है कि चारों युवकों ने काले रंग की एक जैसी जर्सी ही पहने रखी थी। आपको बता दें कि तीन अपहरणकर्ताओं के चुंगल से पुलिस ने सूचना मिलने के ठीक एक घंटे के भीतर ही अगवा युवक को कार्रवाई कर रिहा करवा लिया है और चारों को हिरासत में ले लिया है। करीब 10:30 बजे पिटाई होने के उपरांत दबंगगिरी दिखाते हुए तीनों युवकों ने सफेद रंग की कार में इस युवक को अगवा किया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। अपहरणकर्ताओं का युवक को अगवा करने का क्या उद्देश्य था, इस पे भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस सदर थाना में चार युवकों की दबंगगिरी दिखाने के उपरांत अपहरणकर्ता मामले में कवरेज करने एक चैनल के रिपोर्टर के साथ भी पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की है, जिसका मामला अब एसपी के समक्ष उठाया जा रहा है। वहीं इस मामले में उच्च अधिकारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया था। घुमारवी के पूर्व विधायक राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिन लोगों को सरकारी संपत्ति को लोगों तक सही पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही अब घोटाले कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। आपको बता दें कि बिलासपुर में सरकारी गेहूं व चावल की चोरी के आरोप में लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया था, जिसके उपरांत घुमारवी में पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सरकारी गेहूं व चावल की चोरी के आरोपियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में संलिप्त जिला फेडरेशन अध्यक्ष को भी तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। धर्मानी ने कहा कि जिला फेडरेशन अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त कर न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने इन्हें पकड़ने का काम किया है, वे काबिले तारीफ है। धर्मानी ने कहा कि स्थानीय विधायक जिला फेडरेशन अध्यक्ष के खासमखास हैं और वे उनका बचाव कर रहे हैं, जिससे कोई भी उचित कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच करवाकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा गया है। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी धर्मशाला स्थित दानडू के निजी घर के कमरे में 250 से 300 वर्ष पुराना हाथ से लिखा गुरु ग्रंथ साहिब गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के पास मौजूद है। इस गुरु ग्रंथ साहिब को धर्मशाला स्थित दानडू के एक निजी कमरे में गुरुद्वारा बनाकर रखा गया है। हाथ से लिखे इस गुरु ग्रंथ साहिब का इतिहास भी काफी रोचक है। जानकारी के अनुसार इस ग्रंथ साहिब को गद्दी समुदाय के लोग कई वर्ष पूर्व पाकिस्तान के लाहौर से सिर पर उठाकर पैदल चलकर धर्मशाला लाए थे। हैरानी की बात है कि वैसे तो गद्दी समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ज्यादा मान्यता तो नहीं रखते हैं, बावजूद इसके गद्दी समुदाय का एक परिवार इसे संजोए रखे हुए है। आस्था ऐसी है कि गुरु ग्रंथ साहब को खरीदने के लिए कई लोग आए और करोड़ों रुपए के ऑफर तक दिए, लेकिन इस परिवार ने करोड़ों रुपए के ऑफर भी ठुकरा दिए हैं। आपको बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ समय पहले धर्मशाला के दाडू में रखे गुरुद्वारे से चोरी भी कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरु ग्रंथ साहिब को लुधियाना से वापस धर्मशाला लाया था। उसके बाद इस पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब को 250 से 300 वर्ष पुराने गुरुद्वारे से निकालकर निजी घर में रखा गया है, ताकि ये दोबारा चोरी ना हो सके। गद्दी समुदाय के लोगों का कहना है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब को उनके पूर्वज पाकिस्तान के लाहौर से लाए थे और ये उनके परिवार का हिस्सा है। इसे खरीदने के लिए कई लोग आते हैं और करोड़ों रुपए देना चाहते हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में पिछले 5 दिनों से बढ़ रही भीषण गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम भी ठंडा हुआ है और लोगों को राहत मिली है।
वहीं ज्वालामुखी के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बारिश का खूब आनंद लिया और मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।